गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं सिकंदर वर्मा आप सभी को शिक्षा फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो चलिए आज से हम लोग सेट नंबर 7 की तरफ चलते हैं। आज सेट नंबर 7, और मैंने कहा था कि 2 वीक के बाद जो है ना डेली रेगुलर सेट जाएंगे, तो आपको कल से यानी कि रेगुलर सेट जा रहा है। और कल जो मैंने सेट दिया उसका सोल्यूशन आज, फिर आज जो सेट गया उसका सोल्यूशन कल, इस तरीके से करके अब डेली रेगुलर सेट होगा और रेगुलर सेट की प्रैक्टिसेस भी होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और इसमें मैंने अभी 15 क्वेश्चंस कर दिए, इसलिए देखिए अभी हो क्या रहा था कि 2 दिन में आपके 25 क्वेश्चंस हो रहे थे, अभी 2 दिन में 30 क्वेश्चंस हो जाएंगे, और फिर 2 सप्ताह के बाद फिर से 25 क्वेश्चंस, मतलब पर डे 25 क्वेश्चंस। तो धीरे धीरे करके हम चीज़ों को बढ़ा पा रहे हैं, चीज़ों को कर रहे हैं। इससे क्या होगा ना, चीज़ें चूंकि अगर एक ही बार में डायरेक्ट अगर मैं लोड दे दूँ ना लोगों पर, तो फिर दिक्कत हो जाएगी और कई लोग तो भागने लग जाते हैं थोड़ा सा, है ना। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। और बी स्ट्रांग यार, एकदम स्ट्रांग बने रहिए, उसमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, एकदम सब कुछ अच्छा होने वाला, बहुत बढ़िया होने वाला है। और सबसे जरूरी है ना कि होप जो है ना वो बना हुआ रहना चाहिए, जहां पे होप समाप्त होता है वहीं पे सब चीज गड़बड़ होती है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं और सेट नंबर 7 के बारे में हम लोग बात करते हैं। सेट नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 1, वैसे आप लोगों ने कई लोगों ने बना लिया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, लाइक दिस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग आज, और सेट नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 1, सेट 7 का क्वेश्चन नंबर 1। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि भाई एरिया ऑफ द सर्कल इज डिस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ डायगोनल, एंड डायगोनल जो दिया हुआ है 6√2 दिया हुआ, राइट। एक का स्क्वायर है और एक स्क्वायर में एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है, इसके अंदर सर्कल बनाया गया है, एक सर्कल बनाया गया है। देखिए एक स्क्वायर एक ऐसा होता है जिसके चारों साइड को टच करके सर्कल जा सकता है, ठीक है। और इसके जो डायगोनल जो दिया हुआ है ना वो दिया हुआ 6√2, इसके जो डायगोनल दिया हुआ वो दिया हुआ 6√2। अच्छा, अगर आप मेरे को एक बात बताइए कि अगर डायगोनल 6√2 है तो इसका साइड कितना हो जाएगा भाई, 6, ये तो हम लोग जानते हैं, क्योंकि भुजा अगर a होता है तो डायगोनल कितना होता है √2, तो ये 6 हो गए। तो यानी कि अब देखिए सर्कल का जो डायमीटर होगा यहां से यहां तक ये भी कितना होगा 6, तो रेडियस कितना होगा भाई, तो रेडियस हमेशा आधा होता है, यानी कि यहां से यहां तक कितना होगा 3 सेंटीमीटर। और हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल हम लोग क्या जानते हैं, एरिया ऑफ सर्कल हम लोग जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई को पाई रहने दीजिए, चूंकि क्वेश्चन में 3 का स्क्वायर यानी कितना आ रहा है 9 पाई, और 9 पाई जिन लोगों को भी आ रहा था बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही, गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर टू, नहीं कोई भी क्वेश्चंस को लीजिए ना, तो आप इस तरीके से बोलिए 2-4-5 बार, बहुत आसान था, नहीं ऐसे बोलना है, ये एकदम बोलना है, तो बहुत आसान था, बहुत हम इसलिए बार बार बोलते रहते हैं कि ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। इससे क्या होता है ना कि आपका जो मनोबल है वो बढ़ता है, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू में देखिए क्या कह रहा है कि एक वेंडर है जो 60% एप्पल्स को बेचता है। तो आप देखिए मैं ये कहता हूँ भाई, उसके पास मान लेते हैं कि 100 एप्पल्स था, 100 एप्पल्स में से उसने 60% यानी 60 बेच दिया, इसने सोल्ड कर दिया, तो रिमेनिंग बचा कितना, है ना, रिमेनिंग कितना बचा भाई, रिमेनिंग इसके पास बचा 40, और इस 40 का 15% उसने फेंक दिया, यानी कि कितना फेंका, 6, ये इसने क्या किया, आफ्टर थ्रोइंग इसके पास रिमेनिंग कितना बचा भाई, रिमेनिंग कितना बचा, तो -6 करें यानी 34। और नेक्स्ट डे क्या होता है कि इसका 50% ये सेल करता है, यानी 50% ने 17 को सोल्ड किया, और फिर रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग जो 17 बचा इसको क्या किया, थ्रो कर दिया। अब क्वेश्चन में ये पूछ रहा था कि टोटल कितना परसेंट उसने थ्रो किया, तो टोटल इसने थ्रो कितना किया भाई, देखिए आप यहाँ पे टोटल जो थ्रो किया है वो बिल्कुल इसने क्या है यहाँ पे 17 प्लस ये 6 किया था, तो कितना क्या 23, 100 एप्पल था इसने 23 फेंक दिया, तो कितना परसेंट फेंका भाई, 23%, 100 में से जो वैल्यू होती है वही परसेंटेज कहलाता। तो आपको होप सो बात समझ में आई होगी, और कई लोगों का तो आंसर आ रहा है बिल्कुल सही जी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्या कह रहा है कि इसका मतलब वैल्यू निकालना है, और वैल्यू में दे क्या रहा है
इतना सा बात आपसे पूछ रहा है कि 1 माइनस रूट टू प्लस रूट टू माइनस रूट थ्री प्लस रूट थ्री माइनस रूट फोर प्लस ऐसे ही है ना, डैश 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 करके और डैश 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 करके ये कहाँ पे आ रहा है, रूट फिफ्टीन माइनस रूट सिक्सटीन यहां तक आ रहा है। ठीक है, तो अब आप एक चीज आप देखिए, यहाँ पे माइनस में है, यहाँ रूट टू, अगर ये इसको निकाले ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, ब्रैकेट से अगर हम लोग बाहर निकालेंगे तो ये अपने पास प्लस में आएगा, तो ये देखिए ये वाला और ये वाला कट जाएगा, उसी तरीके से ये और ये कट जाएगा, मतलब ऐसे करते 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 ये भी कट जाएगा, ये सब कट जाएगा, सब कट जाएगा, देखिए ये एक बच जाएगा और एक ही बच जाएगा, बस ये दो चीजें बच जाएगी ना, ये दो चीजें हमारे पास बच जाएगा। तो हमारे पास पहला क्या बचेगा, वन, और दूसरा क्या बचेगा, रूट सिक्सटीन, यानी कि वन माइनस फोर अगर हम लोग करेंगे तो अपने पास कितना आएगा, माइनस थ्री। तो माइनस थ्री अगर अपना ऑप्शन है तो सही है, अगर अदरवाइज हमारे पास एन ओ टी हो जाएगा। ठीक है, माइनस थ्री इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फोर कि 40% ऑफ क्लास ऑफ स्टूडेंट कैन जंप एंड ओनली 18.6% कैन रन, द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन नाइदर जंप और नॉट रन। तो देखिए यहां पे क्या है ना, सिर्फ क्वेश्चन में कह रहा है कि 40% जो टोटल स्टूडेंट है वो जंप कर सकते हैं और 18.6% दौड़ सकते हैं, लेकिन जंप और रन में कोई रिलेशन ही नहीं दिया, जंप और रन के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिया कि दौड़ने वाले जो हैं वो और रन करने वाले जो लोग हैं इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। अगर नहीं है तो ऐसे ऐसे स्थिति में हम लोग क्या बोलेंगे क्वेश्चंस में, सी एंड डी कांट बी डिटरमाइंड, नहीं हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि कई ऐसे लोग होंगे जो जंप कर रहे होंगे वो दौड़ भी रहे होंगे, और कई ऐसे लोग होंगे जो दौड़ रहे होंगे वो जंप भी कर रहे होंगे, तो ऐसा कुछ बताया नहीं, या फिर ओनली कह देता तब हो सकता था, ओनली भी इसने कहा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ, करा कि फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो देखिए यहां पे अपने पास है 8, 1, 8, 2, 6, 5, 2, 6, 5, है तो क्वेश्चन नंबर फाइव में देखिए कह रहा है 8, 2, 1, 8, 2, 6, 5, और इसमें से कह रहा है कि कितना घटाया जाए, कितना घटाया जाना चाहिए ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ताकि ये क्या हो जाना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो देखिए परफेक्ट स्क्वायर के लिए बहुत सारा रूल होता है, कई रूल्स होते हैं, तो ये चीज आप यहां पर समझिए। एक रूल ये भी है कि अगर कोई नंबर पांच से एंड कर रहा है, पहले ये बात आप समझिए, पांच से अगर एंड कर रहा है तो टेंस प्लेस पे हमेशा टू होना चाहिए, ये बात हमेशा ध्यान रखिए। कोई भी नंबर अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है, आप देख लीजिए कोई भी देख लीजिए, 25 यहां पे कितना है, 625 कितना है, कोई भी एक ऐसा नंबर आप मेरे को बताइए जो 5 से एंड कर रहा हो वो परफेक्ट स्क्वायर है और 10th प्लेस पे वो 2 नहीं है, बिल्कुल 100% 2 ही होना है, 2 के अलावे कुछ हो ही नहीं सकता, हमेशा ये बात हमेशा ध्यान रखिए। ठीक है, तो अब जैसे आपको कहेंगे अच्छा 45 का स्क्वायर ले लीजिए सर, देखिए 45 का अगर आप स्क्वायर लेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 20-25 क्या आ रहा है, वही चीज आ रही, किसी का भी आप लीजिएगा तो आपके पास 2 आना तय है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि भाई ऑप्शन से हमेशा कोशिश करना, ऑप्शन से अगर हम ऑप्शन से जाते हैं तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी में हमारे पास अगर हम 40 घटा ले तो क्या अपने पास यहाँ पे 25 आ रहा है, यानी कि ये कंडीशन तो बन रहा है जहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। अच्छा आप कोई कह सकता है सर आपने पहले नंबर को क्यों नहीं घटाया, पहले अगर आप घटाते तो यहाँ पे 5 में से 2 घट जाता 3, और परफेक्ट स्क्वायर में एंडिंग 3 से हो नहीं सकता, तो ये संभव ही नहीं था। ठीक है, ये बिल्कुल संभव नहीं था। अच्छा 25 अगर आप घटाना चाहते तो अगर आप यहाँ पे 25 अगर आप घटाते तो यहाँ पे 0 आता और 1 0, अगर 1 0 अगर है किसी भी नंबर के एंड में, अगर 1 0 अगर है तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा जी। और इसके बाद अपने पास क्या है, ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। तो यानी कि अपना जो आंसर होगा यहां इसका 5 का होगा सी। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ,
क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या कह रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ ए कोर्ड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल द लेंथ एंगल सबटेंडेड इन रेड. ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन कह रहा है कि एक सर्कल है और इसका जो कोर्ड है ना, कोर्ड की लंबाई उतना ही है जितना इसके रेडियस की लंबाई है. यानी कि ये तीनों इक्वल है. अगर तीनों इक्वल है तो ये भी कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री. और ये भी कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री. और ये भी कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री. यानी ये अपना आंसर है. दिस इज ऑफ कुछ नहीं है. तो क्वेश्चन नंबर 60 डिग्री करेंगे अगर रेडियन में करें तो ये कितना हो जाएगा, पाई बाई थ्री रेडियन. ठीक है, पाई बाई थ्री रेडियन विल बी द आंसर. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ. हाँ देखिए, अब यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में. क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए कह रहा है कि टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर 21 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर. दो पैरेललोग्राम है यहां पे आपको बताया गया है पैरेललोग्राम. ठीक है, और टू एडजेसेंट साइड्स है, एक अपने पास 21 सेंटीमीटर है तो दूसरा अपने पास कितना है, 20 सेंटीमीटर. ठीक है, ये चीज है. और फिर क्या कह रहा है कि द डायगोनल जॉइनिंग द एंड पॉइंट्स ऑफ दीज टू साइड्स इज 29 सेंटीमीटर. ये जो अपने पास दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 29 सेंटीमीटर. ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज, अब एरिया बताना है. तो देखिए इसके दो तीन तरीके हो सकते हैं. एक तरीका तो ये है कि सर ये जो अपने पास 21, 20 और 29 दिया हुआ है तो ये एक ट्रायंगल आप इसको ले लीजिए. जैसे अगर इसका नाम अगर लिख लेते हैं ए बी सी और डी, तो एक ट्रायंगल तो बी सी डी को ले सकते हैं, एक बी सी डी को ले सकते हैं, इसका एरिया निकालिए और इसी का डबल कर दीजिए, जो आएगा वही अपना आंसर हो जाएगा. एक तो ये तरीका. दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका देखिए आप यहाँ पे ट्रिपलेट्स थोड़ा सा अगर आपको याद रहता है तो थोड़े ट्रिपलेट्स, कुछ ट्रिपलेट्स है जिसको आपको याद कर लेना चाहिए. ठीक है, अगर आपको याद है तो देखिए क्या 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 29 का स्क्वायर होगा. यानी कि ये पैरेललोग्राम तो दिया हुआ है बट यहाँ पे 90 डिग्री, यानी कि ये रेक्टेंगल, दिस इज अ रेक्टेंगल, है ना. जैसे ही अगर ऐसी बात हो गई तो इसका मतलब है कि रेक्टेंगल वो दिया हुआ नहीं है, अलग बात है, बट रेक्टेंगल ही है. तो हम इसका अगर एरिया निकालना चाहते हैं, अगर इस ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहते हैं तो हम लोग सीधे क्या बोलेंगे भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी, है ना, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी इज इक्वल टू जो हो जाएगा अपने पास एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल या फिर पैरेललोग्राम एबीसीडी. तो इसका देखिए क्या हो जाएगा, 1/2 गुना 21 into 20 प्लस 1/2 into 21 into 20. ठीक है, तो जब आप इसको यहाँ से काटेंगे तो यहाँ पे 10 आएगा भाई, यहाँ भी 10 आएगा. जब आप इसको गुना करेंगे तो 210 यहाँ पे भी आ रहा है, 210 यहाँ भी आ रहा है, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 420. यानी कि यहाँ पे जो अपना आंसर है 7 का वो है ए. तो थोड़ी सी बात आपको समझ, लेकिन ये काम आप कब कर पाएंगे, जब आपके पास ट्रिपलेट्स मालूम है तब. अगर आपको ट्रिपलेट्स नहीं मालूम तब आप ऐसा नहीं कर सकते. अगर नहीं मालूम, हाँ अगर कुछ लोग कहेंगे सर अगर नहीं मालूम तब हम लोग क्या करेंगे, तब आप हिरून्स फॉर्मूला पे जाएंगे, यानी एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी और इंटू एस माइनस सी, ये वाला काम करेंगे. और एस निकालने के लिए ये वही जो आएगा उसका डबल कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए वही बात हो रहा था, जो आया उसका डबल हो रहा था. ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ. देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा कि अगर एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू 7 तो आपको फाइंड आउट करना है, बताना है कि एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट. तो देखिए ये क्वेश्चन जैसे देखने में इतना लगता है ना कि सर कैसे बनेगा, क्या होगा, नहीं होगा, है ना, लेकिन इतना आसान है कि कुछ कहा नहीं जा सकता. कैसे देखिए, हम लोग जब इसको सॉल्व करें थोड़ा सा तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 7x. क्या ये बात हो सकता है, अगर हम इसको एलसीएम ले लें तो x को उधर भेज दें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7x लिख सकते हैं. तो हम लोग यहाँ पे देखिए क्या करेंगे कि x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 7x.
प्लस में कितना है एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई एक्स अपॉन में एट एक्स 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 कैंसिल हो गया बचा कितना 1/8 ये अपना आंसर 1/8 इज आवर आंसर 1/8 ये वो है ए यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यानी ए इज द राइट आंसर बहुत ही आसान था इसमें कुछ और ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं कि एक्स निकाल रहे इसे कुछ कर रहे हैं बस हाँ देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ क्वेश्चन नंबर 9 जी देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी राइट एंगल एक ट्रायंगल है एबीसी एक ट्रायंगल अपने पास एबीसी और बी जो है ना वो राइट एंगल ए बी और सी ये अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल है ठीक है और फिर आगे क्या करा है कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड एसी डी इज द मिड पॉइंट ये जो डी है वो मिड पॉइंट है किसका एसी का दिस इज द मिड पॉइंट यानी कि ये और ये इक्वल राइट दिस इज इक्वल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्या करें इफ ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर ए बी जो दिया हुआ वो दिया हुआ 6 सेंटीमीटर और फिर क्या दिया हुआ है बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर ये दिया हुआ अपने पास 8 सेंटीमीटर ठीक है तब कह रहे कि दे द लेंथ ऑफ बी डी इज बी डी का लेंथ निकाल यानी कि यहां से अगर आप इसको मिला दें तब आपको बताना है कि इसकी लंबाई क्या होगी ये बात आपको बताना है तो देखिए बहुत ही आसान है आपको अगर ये चीज अगर आपको मालूम है थोड़ा सा बात अगर आपको मालूम है तो सर ये 6 ये 8 है तो ये पूरा यहां से यहां तक कितना होगा 10 अगर ये 10 होगा तो ये कितना होगा ये 5 हो जाएगा और ये भी 5 हो जाएगा और जब ऐसा केस बनता है तो ये भी कितना होता है 5 यानी कि BD इज इक्वल टू 5 बस आपको और ज्यादा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं था वैसे बहुत सारा फॉर्मूला होता है इसका स्क्वायर अपॉन में दिस व्हाटएवर बहुत कुछ करने की तो सब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं आप सीधे सीधे आप ये बात कर सकते हैं ठीक है क्योंकि ये मीडियम हो गया राइट यहां से ये एक ऐसा पॉइंट हो गया जहां से हम लोग एक सर्कल खींच सकते हैं जो कि सारे वर्टिसेस को टच करके चलेगा तो ये बहुत ही आसान से क्वेश्चन था यानी इसका आंसर जो होगा वो होगा 5 सेंटीमीटर चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या कह रहा है कि ट्रायंगल एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड डीई आर मिड पॉइंट्स ऑफ एबी एंड बीसी एक ट्रायंगल हम लोग बना लेते हैं अपने पास एक ट्रायंगल है ए बी और सी ठीक है और कह रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल दिस इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि ये और ये तो ये तीनों इक्वल राइट अब कह रहा है कि डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ एबी एबी का मिड पॉइंट यहां पे है कहीं ठीक है और ए बी का और फिर क्या करें बी सी का भी मिड पॉइंट तो बी सी का भी मिड पॉइंट यहाँ पर ले रहे हैं ठीक है बी सी का मिड पॉइंट हो गया तो यहाँ पे ये डी है और ये ई है तो यहाँ से ये अब आगे बढ़ रहा है ये मिला लिया आगे क्या करा कि दे द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल ऑफ एरिया ए बी सी इज टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल ट्रेपेजियम ए डी ई सी ए डी ई सी इसका यानी कि इस पूरे का एरिया अपॉन में इसका एरिया आपको निकालना है तो हम लोग ये बात जानते हैं कि अगर ये मिड पॉइंट है तो ये अगर एक होगा तो ये कितना होगा भाई 2 चूंकि इसके आधा होता है ठीक है तो ये 1 होगा तो ये 2 होगा और चूंकि अब ये जो है यहाँ पे ये बड़ा वाला ट्राइंगल और ये छोटा वाला ट्राइंगल दोनों के दोनों सिमिलर होंगे अगर सिमिलर होगा तो इसका एरिया 1 होगा जबकि पूरे बड़ा वाला का एरिया कितना हो जाएगा 4 पूरा हो जाएगा है ना पूरा बड़े वाला का एरिया यानी तो हम लोगों से जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है कि ट्रायंगल एबीसी इज टू क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजियम एडीईसी का पूछा जा रहा है बस तो पूरा बड़ा वाला कितना हो गया 4 और एडीसी देखिए यहां से यहां तक का एरिया 1 है और पूरा यहां से यहां 4 है तो कितना बचेगा 3 4:3 जिसका भी आ रहा है वो सही आंसर है जी चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 4:3 इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 अच्छा क्वेश्चन नंबर 11 तो बस पढ़ करके आदमी देख करके जो है ना आंसर कर सकता है देखिए और आंसर करेगी देखिए क्या है
इन अ टाउन द पॉपुलेशन वॉज 8,000. In 1 year, male population increased by 10% and female increased by 9%. Female increased by 8%, but the total population increased by 9%. 10% बढ़ा भाई, दूसरा 8% बढ़ा और पूरा 9% बढ़ा, तो कितने का, यानी कि 1:1 का टोटल कितना था, 8,000. यानी एक और एक दो यूनिट की वैल्यू कितना, 8,000. तो एक यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 4,000, और यहां भी कितना हो जाएगा, 4,000. मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन को बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ. चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 12. क्या कह रहा है कि अ पॉइंट के लाइंग इनसाइड अ ट्रायंगल इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, देन द ट्रायंगल हैज के एज इट्स. हाँ देखिए, अब यहाँ पे सिंपल सा बात पूछ रहा है कि एक ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल हो सकता है, ABCDEF कुछ भी ले लीजिए, और एक पॉइंट कहीं पे के है, और के से फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ द इक्विडिस्टेंस, के एक ऐसा पॉइंट है जो यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी, तीनों समान है, ये और ये तीनों अगर इक्वल है तो ये कौन सा पॉइंट है, ये पूछा जा रहा है. ये पॉइंट कौन सा है, ये पूछा जा रहा है. इन सेंटर है, सर्कम सेंटर है, या फिर सेंट्रोइड है, क्या है? तो हम लोग जानते हैं ये क्या है भाई, सर्कम सेंटर. सर्कम सेंटर एक ऐसा सेंटर होता है जहां से, तो आप सीधे सीधे इसका कुछ करना नहीं है, सीधे क्या लिखेंगे, सर्कम सेंटर. ये तो अगर आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा ये चीज, इसमें कुछ बताने के लिए नहीं था. चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या कह रहा है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1. तब आपसे क्या कह रहा है कि देन द साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट. तो आपको बता रहा है कि भाई बताइए आप कि साइन थीटा प्लस सॉरी इनटू कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 0 या आधा भी रखने वाले पर. कैसे देखिए आप, ये बात कुछ करना नहीं है, दोनों तरफ आप क्या करिए, स्क्वायर कर लीजिए. ठीक है, दोनों तरफ आप स्क्वायर करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1, और इतना इज इक्वल टू कितना दिया हुआ 1, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1. तो देखिए 1 से 1 कैंसिल, यानी कि 2 साइन थीटा इज इक्वल इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू सॉरी 0 इज इक्वल टू 0. ठीक है, चूंकि ये उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, और फिर यहां से ये भी कट जाएगा, सीधे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, ये अपना आंसर. चूंकि हम लोग जानते हैं, ऐसे भी हम लोग इतना भी दिमाग लगाने से फायदा नहीं था, सीधे करना था. वह हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1, जबकि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 दे रखा है, तो ये वाला जो पार्ट होगा वो 0 होगा, तभी यह संभव है, अदरवाइज संभव नहीं. जी चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है कि भाई द एवरेज एज ऑफ 8% इन अ विलेज इज 40 इयर्स. एवरेज 8% का जो एवरेज है, एवरेज एज ऑफ 8% इन अ विलेज कितना दे 40 इयर्स, राइट. अब क्या कह रहा है कि 40 इयर्स, अ पर्सन अमंग देम डाइड एट द एज ऑफ 55 इयर्स. एक आदमी का जिसका 55 इयर्स एज था वो मर गया, और उसके जगह पे एक 39 इयर्स का जो आदमी था वो आ जाता है. तो वो एक 39 इयर्स का, ये तो चला जाता भाई, ये तो बाहर जा रहा है, ये बाहर जा रहा है और ये अंदर आ रहा है, ग्रुप में से ये बाहर जा रहा है और ये अंदर आ रहा है. ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि द एवरेज एज ऑफ द
persons in the village now is. अब जितने भी लोग हैं उस विलेज में, तो उस विलेज के जो मतलब आठ लोग तो फिर भी बचेंगे, आठ लोग पहले भी थे अभी भी हैं। तो अब बस बात इतना सा है कि 55 वाला गया और 39 वाला आया, तो हमारे पास कितना कम आया। तो देखिए अगर आप इसको डिफरेंस निकालेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 15 में से 9 जाएगा तो आपके पास कितना बचेगा जी, जल्दी से बताइए जी। 6, वेरी गुड। अब यहां पे आप 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 1, यानी 16, यानी 16 लेस हो गया। अगर 16 लेस हो गया तो सब में 16 अगर हम सब में से इक्वल निकालना चाहते हैं तो 16 अगर हम निकालना चाहते हैं तो कितने लोगों में से निकालना पड़ेगा, सॉरी 8 लोगों में से निकालना होगा, 8 लोगों में से तो कितना कितना निकालना पड़ेगा, दो दो निकालना पड़ेगा, यानी कि हमारे पास 2 माइनस हो जाएंगे, यानी अपना आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 38 ईयर्स। ये अपना आंसर है, यानी कि अपने पास जो आंसर होगा वो ई हो, 38 ईयर्स इज द राइट आंसर। ठीक है, बाकी आप चाहे जिस भी तरीके से बने, बस कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जितना डिफरेंस है यानी 16 साल का गैप आ रहा है, तो 16 साल का गैप यानी कि सब में से इक्वल उक्वल कितना निकालना पड़ेगा, तो सब में से दो दो साल निकालना पड़ेगा, सब में से निकालना मतलब एवरेज में से निकालना, राइट जी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या कह रहा है, 15 में कह रहा है कि टोटल नंबर ये दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लेंगे, अब देख लीजिएगा सबका, ये दिया हुआ है, चार्ट दिया हुआ है, और टोटल नंबर दिया हुआ है 35,000, यानी कि 100% इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 35,000, राइट, 35,000 दिया हुआ है। और आपसे कह रहा है कि लिटरेट मेल और लिटरेट फीमेल का डिफरेंस बताइए, जो लिटरेट मेल जो है 45% और लिटरेट फीमेल 35%, तो डिफरेंस कितना का हो जाएगा, 45% माइनस 35%, यानी कि 10%, तो 10% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिंपल सा बात, 100% इतना तो 10% कितना हो जाएगा, 35, इतना सा नहीं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, यानी कि इसका जो देख लीजिए बहुत ही आसान था। तो चलिए आज अब मैंने क्या किया ना कि 7 मैंने बता दिया आपको कि 15 अभी क्वेश्चंस कर रहे हैं, और फिर अभी ये रेगुलर, अब चूंकि आज भी गया आपके पास 8, इस तरीके से कल भी जाएगा, मतलब डेली आपके पास, और 8 का लेवल कभी अप कभी डाउन, मतलब सारे चूंकि सारा कुछ हमको कवर अप करना है, सारे चीजों को देखना है, इसीलिए और सब टाइप के क्वेश्चंस आपको बनाने हैं। देखिए सारे टाइप्स के क्वेश्चंस आप बनाइए और धीरे 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 करके आपके पास सब टाइप का आपका क्वेश्चन पहुंचेगा, आपको एक एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और अभी मॉडरेट टाइप क्वेश्चंस पे भी हम आने वाले हैं, जब 10 12 15 सेट निकल जाएगा उसके बाद फिर मॉडरेट टाइप क्वेश्चंस आएंगे, तो चीज़ें बहुत बढ़िया हो जाएगा और बहुत ही अच्छी होने वाली और बहुत बढ़िया। और लास्ट में ये मैं कहना चाह रहा था कि कल से जो है फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो गया है, फाउंडेशन बैच में मैंने कल से स्टार्ट कर लिया और बहुत सारे लोग हैं और अच्छा रिस्पांस है, लोगों का रिस्पांस बढ़िया, वेरी गुड। तो अगर आप लोगों में से भी कोई अगर आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, एकदम बेसिक से मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना वहाँ पे एकदम बेसिक से एक एक पॉइंट कहीं भी आपको छूटेगा नहीं, और फिर आप डायरेक्ट मेरे से कॉन्टैक्ट कर पाएंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। चूँकि ऐसे तो वीडियोस देख लेना वो कर लेना तो ठीक ही है, बट सबसे जरूरी है ना कि अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो सामने वाले से आप डायरेक्ट कांटेक्ट, ऑफलाइन में फायदा क्या होता है कि आप डायरेक्ट चीजों को पूछ पाते हैं, तो यहाँ पे भी हमने एकदम पूरी पूरी कोशिश करी है, ऐसा सिस्टम बनाया है जिससे कि आप मेरे से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप या आपके कोई ऐसे दोस्त हैं जो जुड़ना चाहते हैं, इस चीजों का लाभ उठाना चाहते हैं, या अगर पहले चाहते हैं कि सर 2-4 दिन हम क्लास देखना चाहते हैं, अगर लगेगा ठीक तो करेंगे, तो वो भी वैसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 2-4 क्लासेस देख सकते हैं। मैं उनको और उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, उनका अपना डिटेल्स है ना, ईमेल आईडी, नेम, फादर्स नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये 3-4 चीजें मुझे जो 911 वाला जो नंबर है ना उस वाले पे व्हाट्सअप करने होंगे, तो वो इसमें डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप वहां से भी नंबर निकाल के उस पर व्हाट्सअप करने होंगे, तो उस पर आप व्हाट्सअप करिएगा और मैं आपको सेंड कर दूंगा। और सेंड करने के बाद अगर आपको लगता है कि 2-4-5 क्लासेस में देखूं और उसके बाद अगर मुझे अच्छा लगेगा तब एडमिशन लेंगे, तो ठीक है, आप 2-4-5 क्लासेस देख सकते हैं, बहुत बिल्कुल देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि सर हाँ मुझे पढ़ना है, इस तरीके से करना है, तो फिर क्लासेस आगे कंटिन्यू करेंगे, अगर नहीं लगेगा तो फिर छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, थैंक यू।